आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट से लेकर के मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, स्कूल कॉलेज को लेकर तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 64,065 पहुंच गया है। वहीं 1,047 लोगों की मौत हो गई है। मौसम समाचार। बढ़ रही ठिठुरन, ऊंचाई वाले इलाकों में होगी बारिश और बर्फबारी। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। सूबे में ठंड ने दस्तक दे दी है। ऐसे में ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ रहा है। साथ ही मौसम के मिजाज में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश के साथ ही बर्फबारी की संभावना है, जबकि बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं हरिद्वार में इनके दामों में गिरावट आई है। हल्द्वानी में भी इसकी कीमतों में कमी देखने को मिली है। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 81.87 रुपए, वहीं आज के दाम है 82.09 रुपए। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 70.99 रुपए, वहीं आज के दाम है 71.20 रुपए। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 81.53 रुपए, वहीं आज के दाम है 81.46 रुपए। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 70.69 रुपए, वहीं आज के दाम है 70.63 रुपए। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 81.55 रुपए, वहीं आज के दाम है 81.52 रुपए। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 70.72 रुपए, वहीं आज के दाम है 70.68 रुपए। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। डोबरा चांटी पुल के शिलान्यास की तैयारियों को लेकर डीएम लेंगी बैठक। टिहरी में डोबरा चांटी पुल का शिलान्यास करने पहुंच रहे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दौरे को लेकर जिलाधिकारी अधिकारियों की बैठक लेंगी। आज से आम लोगों के लिए खुलेगा सुशीला तिवारी अस्पताल। कोरोना महामारी के बीच पिछले 7 महीनों से आम आदमी के इलाज के लिए बंद हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल आज से खुलने जा रहा है। पहले चरण में अस्पताल प्रशासन द्वारा 8 विभागों की ओपीडी शुरू की जाएगी। बेतालघाट के युवक को राज्यपाल करेंगे सम्मानित। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर प्रदर्शन करने के लिए नैनीताल के दूरस्थ गांव बेतालघाट के युवक को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य नैनीताल राजभवन में राज्यपाल पुरस्कार देकर करेंगे सम्मानित। फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट सुनवाई। उत्तराखंड में फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में आज लगातार दूसरे दिन नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मणिमत की खंडपीठ में होगी सुनवाई। फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति को हल्द्वानी की स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी ने दी है चुनौती। दूषित पेयजल को लेकर डीएम से मिलेंगे गोपेश्वर के लोग। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में दूषित पेयजल आपूर्ति को लेकर जल संस्थान सहित डीएम से मुलाकात करेंगे गोपेश्वर नगर के लोग। काशीपुर में आम आदमी पार्टी प्रेस वार्ता। काशीपुर के डाइट प्रशिक्षकों के द्वारा नियुक्ति की मांग को लेकर देहरादून में चल रहे धरना प्रदर्शन और सरकार के द्वारा कोई सुनवाई नहीं किए जाने के मामले पर आम आदमी पार्टी प्रेस वार्ता करेगी। हल्द्वानी में 8 नवंबर से शुरू होगा गन्ना पेराई सत्र, सभी तैयारियां पूरी। प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत 8 नवंबर से होने जा रही है। पिराई सत्र 2020-21 के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांटों के आवंटन के साथ साथ मिलों की मरम्मत का काम भी जारी है। राज्यपाल ने कुमाऊं विश्वविद्यालय की वेबसाइट का किया शुभारंभ। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य इन दिनों कुमाऊं दौरे पर है। ऐसे में आज राजभवन नैनीताल में उन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी से मुलाकात की। इस मौके पर राज्यपाल ने कुमाऊं विश्वविद्यालय की वेबसाइट का ऑनलाइन शुभारंभ किया, साथ ही विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी ली। राज्य स्थापना दिवस से पहले स्वास्थ्य विभाग के मुंह पर तमाचा, गर्भवती के अस्पताल ले जाते समय मौत। सरकारी मशीनरी राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों में मग्न है। 9 नवंबर को सरकारी दफ्तरों को रोशन करने की योजना है, लेकिन उत्तरकाशी के देवती गांव में मातम छाया है। यहां सड़क और डॉक्टर अस्पताल के अभाव में गर्भवती ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पिता ने लगाई फटकार, युवक ने फांसी लगाकर दी जान। टनकपुर में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है। बताया जा रहा है कि उसके पिता ने उसे मोबाइल फोन पर गेम खेलने से रोका था। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खुशखबरी, दिल्ली और जयपुर के लिए वॉल्वो बस सेवा शुरू। 6 नवंबर से ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट। उत्तराखंड से दिल्ली और राजस्थान जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड परिवहन निगम ने गुरुवार से दिल्ली और जयपुर के लिए एससी और वॉल्वो बस सेवा शुरू कर दी है। इसके साथ ही शुक्रवार 6 नवंबर से उत्तराखंड परिवहन निगम अपनी ऑनलाइन टिकट भी शुरू करने जा रहा है। बाइक और साइकिल की जोरदार भिड़ंत, एक की मौत। पीरुंदारा में आज देर शाम एक बाइक ने एक साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार दो युवक भी इस घटना में
दुर्घटना में घायल हो गया, जिससे आसपास के लोगों की मदद से इलाज के लिए रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। खटीमा में चोरी की चार मोटरसाइकिल के साथ आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चार बाइक बरामद की है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। कॉर्बेट पार्क के गर्जिया जोन के लिए 129 पर्यटकों ने की कराई बुकिंग। 15 नवंबर से खुलने जा रहे कॉर्बेट पार्क के गर्जिया जोन के लिए अब तक 129 पर्यटकों ने ऑनलाइन आवेदन करवाया है। यह बुकिंग 2 नवंबर से शुरू हो गई थी। कोटद्वार में पराली में लगी भीषण आग, 3 ढेर जलकर राख। कोटद्वार में छत पर रखे पराली के 3 ढेरों में भीषण आग लग गई। आग की लपटों को बढ़ता देख आसपास के पड़ोस के लोगों ने पानी डालकर कड़ी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया। हरिद्वार में श्रीमद भगवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ हुआ शुभारंभ। महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद और जिलाधिकारी सी रविशंकर ने मिलकर श्रीमद भगवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का शुभारंभ किया, साथ ही लोगों को कोरोना महामारी के प्रति भी जागरूक किया। हल्द्वानी में 8 नवंबर से शुरू होगा गन्ना पेराई सत्र, सभी तैयारियां पूरी। प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत 8 नवंबर से होने जा रही है। पेराई सत्र 2020-21 के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांटों के आवंटन के साथ साथ मिलों की मरम्मत का भी काम जारी है। कोटद्वार में युवाओं के लिए सेना की भर्ती 20 दिसंबर से। सेना भर्ती कार्यालय लैंसडाउन द्वारा कोटद्वार में 20 दिसंबर से सेना की भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। पूर्व में कोटद्वार में आयोजित भर्ती रैली को कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया था। पूर्व में इस भर्ती रैली के लिए पंजीकरण करवा चुके युवाओं को एक बार फिर से अपना पंजीकरण करवाना होगा। बागेश्वर में 2 ने गटका जहर, अस्पताल में भर्ती। जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों ने जहर का टक लिया। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। अतिथि शिक्षकों के लिए काउंसलिंग शुरू। जिले के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में एलटी और प्रवक्ता संवर्ग में गेस्ट टीचरों के पदों पर नियुक्ति के लिए गुरुवार से द्वितीय चरण में 2 दिवसीय काउंसलिंग शुरू हो गई है। गुरुवार को जहां जिला कलेक्ट्रेट में अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की भी जाँच की गयी। कॉर्बेट में गर्जिया जोन की ऑनलाइन बुकिंग शुरू। कॉर्बेट प्रशासन ने पर्यटकों के लिए गर्जिया जोन खोलने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। 15 नवंबर से खुलने वाले जोन की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। पहले दिन 22 लोगों ने बुकिंग कराई है। बुकिंग कराने वालों में दिल्ली के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। दिल्ली के लिए साधारण बस के बाद वॉल्वो का सफर शुरू। उत्तराखंड परिवहन निगम ने साधारण बसों के बाद अब वॉल्वो को भी रूटों पर दौड़ाना शुरू कर दिया है। नए साल में खुलेगा पुलिस में नौकरियों का पिटारा। पुलिस में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए नया साल मौका लेकर आ रहा है। पुलिस में 1,500 सिपाहियों की भर्ती की जा रही है। 50 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की तैयारियां भी पुलिस मुख्यालय कर रहा है। बर्फ में ढका सीमा का आखिरी गांव। भारत चीन सीमा से लगे चमोली जिले के अंतिम गांव नीति में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद पूरी घाटी सफेद चादर में ढक गई है। हालांकि ठंड बढ़ने व बर्फबारी से पहले ही नीति के ग्रामीण सीमांत गाँव से निचले इलाकों में पलायन कर चुके हैं। आज हो सकता है बेसिक शिक्षक भर्ती का आदेश। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है। सूत्रों ने बताया शुक्रवार को यह आदेश हो सकते हैं। इधर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शादी में दावत उड़ा रहा था संक्रमित, मुकदमा। होम आइसोलेट कोरोना पॉजिटिव मरीज शादी में शामिल हुआ जानकारी होने पर स्वास्थ्य विभाग ने उसके खिलाफ कोतवाली में आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पौड़ी में 80 शिक्षक मिले कोरोना संक्रमित। उत्तराखंड में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। गुरुवार को प्रदेश में 480 लोग में कोरोना की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 64,065 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 58,823 मरीज ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में 3,680 सक्रिय मरीज अस्पताल और होम आइसोलेशन में है। वहीं 515 मरीज राज्य से बाहर जा चुके हैं। पौड़ी में सबसे अधिक 118 लोग संक्रमित हैं। इनमें 4 विकास खंडों में 80 शिक्षक शिक्षिकाओं की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद संबंधित स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में भी एक कार्मिक संक्रमित मिला है, दफ्तर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है।